वेलकम टू श्यूअर सक्सेस आई होप आर डूइंग ग्रेट तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट लाया हूँ कुछ डिफरेंट पढ़ाऊँगा जो कि मैंने आज तक आप लोगों को कभी पढ़ाया नहीं होगा तो आज का जो टॉपिक है वो है आप लोगों का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका डेफिनेशन बताऊंगा फिर मैं कई सारे सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है और आपको एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने का भी सोल्यूशन मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का In a sentence written in the active voice the subject of sentence performs the action in sentence written in the passive voice the subject receives the action तो यहाँ पर दोनों ही डिफरेंट वे में लिखा गया है जैसे कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका एक्शन खुद परफॉर्म करेगा ऐसा दिखाया जाएगा और जो पैसिव वॉइस में आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आपका एक्शन रिसीव करेगा तो चलिए मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ तो आपका एक्टिव में जो सेंटेंस है ये आपका इस प्रकार होगा राम इज कुकिंग डिनर तो यहाँ पर आप देख सकते जैसा कि डेफिनेशन में बोला गया था सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन इट्सल्फ तो यहाँ पर राम जो है सब्जेक्ट है तो ये कुकिंग डिना तो ये सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है सेंटेंस में तो यहाँ पर पैसिव में आप देख सकते हैं डिनर इज़ बिंग कुक्ड बाय राम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट जो है ये रिसीव कर रहा है एक्शन को बिंग कुक्ड बाय राम तो इसीलिए ये पैसिव वॉइस हो जाएगा तो ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस लेके आया हूँ एक्टिव वॉइस लेके आया हूँ और उसी को हम आज ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं पैसिव वॉइस में तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए सेंटेंसेस को देखते हैं तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है राम राइट्स अ लेटर तो ये आपका एक्टिव वॉइस है तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में तो कैसे होगा द लेटर इज रिटन बाय राम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव में राम के द्वारा लेटर मतलब राम राइट्स अ लेटर मतलब राम राइट्स अ लेटर यहाँ पर राम ख़ुद सब्जेक्ट खुद परफॉर्म कर रहा है एक्शन इसीलिए वो एक्टिव था तो और पैसिव में जो है द लेटर इज रिटर्न बाय राम तो यहाँ पर राम जो सब्जेक्ट जो है ये एक, एक, एक एक्शन रिसीव कर रहा है इसलिए पैसिव है तो इसी प्रकार चलिए बहुत सारे सेंटेंसेस से है इसको हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है राम लव सीता तो ये एक्टिव वॉइस है तो पैसिव में हम इसे लिखेंगे सीता इज लव्ड बाय राम इस प्रकार आपका नेक्स्ट सेंटेंस है द कैट किल्ड द माउस तो आपका इसका पैसिव फॉर्म होगा द माउस वाज किल्ड बाय द कैट आपका नेक्स्ट सेंटेंस है ही टीचेस मी तो आपका इसका पैसिव फॉर्म में होगा आई एम टॉट बाय हिम आपका नेक्स्ट सेंटेंस है आई ईट ब्रेड तो इसको हम बोलेंगे ब्रेड इज ईटन बाई मी नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज ईटिंग ब्रेड इसको हम बोलेंगे ब्रेड इज बींग ईटन बाई हिम आई एम टीचिंग हर इसको हम बोलेंगे सी इज़ बीग टॉट बाई मी का नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैजॉट मी तो इसको हम बोलेंगे आई हैव बिन टॉट बाय हिम का नेक्स्ट है आई हैव टॉट दम इसको हम बोलेंगे दे हैव बीन टॉट बाय मी आपका नेक्स्ट है आई बीट हिम इसको हम बोलेंगे ही वॉज बीटन बाय मी नेक्स्ट है आई स्टोल द बुक इसको हम बोलेंगे द बुक वॉज स्टोलन बाय मी नेक्स्ट है आपका ही वॉज टीचिंग मी इसको हम बोलेंगे आई वॉज बींग टॉट बाई हिम आई वॉज कुकिंग द ब्रेड इसको हम बोलेंगे द ब्रेड वॉज बींग कुड बाई मी आई हैड गिवन हिम द बुक इसको हम बोलेंगे ही हैड बीन गीवन द बुक बाय मी यू हैड बिल्ड द हाउस The house had been built by you. I will beat you. You will be beaten by me. You will beat me. I will be beaten by you. I will have taught you. You will have been taught by me. यू विल हैव गीवन मी द बुक इसको हम बोलेंगे आई विल हैव बिन गीवन द बुक बायू तो यही सारे थे एक्टिव और पैसि वॉइस के सेंटेंसेज तो आई होप कि आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और अगर वीडियो पसंद आता हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेलाइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत